जो है आप मंदिर देख पा रहे हो, अंदर मंदिर भी बना हुआ है जो कि पूरा संगमरमर से बना हुआ है। जो आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा खंडर किला है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त विशाल आपका स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, जयपुर के मैं एकदम बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि एकदम हिस्टोरिकल जगह पे आ चुका हूं जिसका नाम है आमेर फोर्ट। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है आमेर फोर्ट के ऊपर, जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं इसका पूरा हिस्ट्री बताएंगे, इसका पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर। अभी तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है आपका करीब 10:15, और यहाँ पे इस टाइम पे भाई साहब बहुत ही तगड़ा मौसम है। और बात करूँ इस किले की, तो इस किले का जो निर्माण है वो 11वीं सदी में किया गया था मानसिंह के द्वारा, जहाँ पर इसके मुताबिक बहुत सारी कथाएँ हैं, बहुत सारी हिस्ट्री हैं जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे आमेर फोर्ट के बारे में। तब तक लीजिए कुछ सिनेमैटिक व्यू, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी इस टाइम पे 10:15 का टाइम है और आप देख पा रहे हो कितना ही तगड़ा व्यू आ रहा है भाई साहब। इस टाइम मेरा फोन अच्छा है या तो यहाँ का व्यू अच्छा है, बट लिटरली यहाँ का व्यू आप देख पा रहे हो सामने एकदम किला एकदम पहाड़ों के ऊंचे में बना हुआ है। ये जयपुर से करीब आपका 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर आने के लिए आप यहाँ पे ऑटो, उबर, ओला जो भी आपको साधन मिलेगा बुक कर सकते हो। और ये है इसका यहाँ से एंट्री गेट, और यहाँ से हम जाने वाले ऊपर। सोचो उस टाइम पे किस तरीके से पहाड़ियों में जाके वहाँ पे उस तरीके से आप देख पा रहे हो वो वहाँ पे किले जो है बनाए थे। सोचने बात ये है कि उस 11वीं सदी में भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई थी कि वो इतने पहाड़ों में भी ऊपर किला बना पाते थे। सो जस्ट इमेजिन, यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ पे एक लेक भी है, उसी के बीच में यहाँ पे कुछ बना रखा है और इतना ज़्यादा प्यारा, वो चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़, ग्रीनरीज मिलेंगी, आपको कबूतर मिलेंगे। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे आने के लिए मैंने पहले से ही रिसर्च करके रखी थी कि मुझे यहाँ जाना है। सो गाइस चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, मैं आपको भी जस्ट अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे हाथी की सवारी भी आप कर सकते हो। देख रहे हो आप सामने हाथी की सवारी चल रही है, क्योंकि पहले के टाइम पे ना राजा महाराजा जितने भी होते थे ये सब हाथी की सवारी से ही चलते थे। करें तो अरवाड़ी पहाड़ी की चोटी पर ही स्थित है ये आमेर फोर्ट, जिसको आप देख पा रहे हो आंखों के सामने। गाइस अगर बात करें इस लेक की, तो लेक की जो गहराई है बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ चेतावनी, मैंने आपको दिखाया भी था कि तो मैं अभी बीच में जो बना उसको मैं भी देखूंगा क्या है। और अभी जैसे अगर देखो रास्ता जो है यहाँ से जा रहा है, और ये आपको ये करके एकदम ऊपर मेन गेट पे लेके जाएगा, वहाँ से फिर चालू होगा आपका किला। तो वहाँ पे जैसे आप दिखाया था मैंने हाथी के सवारी भी हो रही है, और जो ऊपर आप देख पा रहे हो वो पुराना किला है। जैसे ये जो है वो पुराना किला है जो संगमरमर से पूरा ये बनाया गया है, ये और वो दोनों। ठीक है चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको मैं प्रीव्यू दिखा चुका हूँ, और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सेल्फी स्टिक भी ले सकते हो, काफ़ी चीज़ें सामान है आपको मिल जाएगा। स्टिक नहीं नहीं सो ये जो है कुछ एंट्री गेट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिपार्टमेंट टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑफिशियल गाइड फीस जो है आपको दिख रही होगी 1-4% आपके 400 रुपये है, 1-5 आपको 600 रुपये, और अगर 15-35 लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर 1000 रुपये फीस भी चार्ज होती है। और आप देख पा रहे हो काफी सारी चीजें हैं, स्टिक्स भी आपको मिलेंगे। सो ये है कुछ अंदर का व्यू जो कि काफी ज्यादा शानदार और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लिटरली यहाँ पे अगर देखो तो पूरा ग्रीनरीज आपको नजर आ रही है, सामने ही पूरा पहाड़ दिख रहा होगा। सो वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। टाइम ये फाउंटेन्स जो है पूरे बंद कर रहे हैं, बट एक टाइम पे चलाए जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गजब का व्यू आता होगा, क्योंकि यहाँ से आप सामने का व्यू लोगे तो बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि अब ये देख पा सामने ये पूरा बना रखा बैठक और पूरा सेल्फी स्पॉट, और यहाँ पे भी सामने सेम बना रखा है। तो ये सामने और बीच पूरा फाउंटेन, तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। के टाइम पे कितनी ज़्यादा अच्छा लगता होगा कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा शासन था 16वीं सदी में
आपका राजा मान सिंह का, जिन्होंने इसका निर्माण किया था, उस टाइम से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। टूरिस्ट बात करें तो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे मिलेंगे, जिनकी फ़ीस चार्ज ज़्यादा होती है, बट काफ़ी लोग हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं हिस्ट्री को और आपको दिखाते हैं आगे की कार्रवाई। यहाँ से आपने एंट्री लोगे तो यहाँ से आप जाओगे सीधा, और ये जो आप देख पा रहे हो बीच में आपको मार्केट भी पूरी मिलेगी सामने की तरफ। और चलते हैं ऊपर हम लोग। फिर जो जगह है पूरा रेस्ट्रिक्टेड कर रखी है बिकॉज ऑफ ये सामने की तरफ लेक है, बच्चे जो जा सकते हैं, तो इसको पूरा बंद कर रखा है। एंट्री गाइस, मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम पे ही थी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई सोचे ना पहाड़ों में ऐसा महल खड़ा कर दे, ऐसा कोई किला खड़ा कर दे, इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे बता रहा हूँ। और पहले के ज़माने में एक एक पत्थर का किलो का वेट भी टन के बराबर हुआ करता था, बट स्टिल उन्होंने बनाया। अब देखो मेरे पीछे क्या व्यू, देखो कितनी ऊँचाई में खड़ा हूँ मैं, और उस टाइम भी कितने ज़्यादा पत्थर जो है पहले के ज़माने के पत्थर आप देख पा रहे हो, सारे के सारे पत्थर पहले के ज़माने के हैं, वही 16वीं सदी के, और आज तक पूरा टिका हुआ है। इस माना ये भी जाता है कि यहाँ पे जो किला है इसका जो पहले नाम था ये भगवान शिव के नाम पे भी रखा गया था, जो अम्बिकेश्वर के नाम से भी था, तभी इसका नाम जो है अंबर पैलेस भी है। सो अभी मैं आपको वहाँ से चीज़ें बता रहा था, अभी मैं यहाँ तक आ गया हूँ, स्टिल हमें जाना अभी वहाँ तक। हेलो गाइज, हाथी की सवारी कर लीजिए। सो गाइज, यहाँ पे आपको हाथी की सवारी करने का भी मौका और आनंद दोनों प्राप्त होगा। जो आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा खंडर किला है, जो कि पूरी तरीके धराशायी हो चुका है। अच्छा, तो कहते क्या है इसको? पापड़ी, राइस पापड़ी। ये तुम बनाते हो? अच्छा, जयपुर से लेकर आते हो। सो गाइस देखिए पापड़ी का साइज। हेलो गाइस, पापड़ी खा लो। चोटी के ऊपर ही आपको भैरव मंदिर भी मिलेगा यहाँ पर, जिसके लिए फूल प्रसाद आदि सामान जो है आपको यहीं पे ही मिल रहा है। और यहाँ पे हाथी की सवारी भी जो करना चाहता है वो कर सकता है। और यहाँ पे ना हर सवारी का ना जो हाथी है ये पे नंबर दे रखा है, 58 है, वैसे वो 59 है। तो इस तरीके से चलते हैं यहाँ पर। पर पूरे ज़्यादा पर्यटक जो है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर ही दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ से पूरा व्यू मिलता है पूरे सामने का। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरनर्स आ रखे हैं गाइस। अगर बात करें यहाँ पे आने का, किसी का प्लान बना रहे हो जयपुर आए हो, तो अमेर फोर्ट ज़रूर आना, बिकॉज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट टॉप पे बना हुआ है ये किला। तो आपको आना चेकआउट करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये किला, और लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर आने के बाद आप सुबह 9 बजे या 10 बजे के बीच में आ रहे हो, तो लिटरली बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज व्यू जो आप देख पा रहे हो पीछे अच्छा है। और आपको घूमने फिरने काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। आप यहाँ पे गाइड भी ले सकते हो, जो गाइड आपको स्टार्टिंग के गेट पे मिल जाएंगे वो आपसे 100 या 200 रुपये चार्ज करेंगे। बट मेरे को इतनी कुछ खास ज़रूरत लगी नहीं, बिकॉज मुझे बहुत कम टाइम में चीज़ें बहुत एक्सप्लोर करनी है, बिकॉज अभी मैं कुछ और भी एक्सप्लोर करने जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि आज का दिन है मेरे पास। सो जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आप जैसे हाथी की सवारी कर सकते हो, पर सवारी 150 से 200 रुपये चार्ज होगा यहाँ पर। और मेनली अगर बात करूँ यहाँ पर, तो खाने पीने का आइटम हर जगह है, जैसे भैरव मंदिर है वहाँ पे आप फूल आदि प्रसाद लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो के सामने देखो, इन लोग फॉरनर हैं, तो इनको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोग गाइड ले सकते हैं। और ये देखिए भाई, कितना अमेजिंग लार्ज एकदम बड़ा सा व्यू है, कितना ज़्यादा। सो यहाँ पे आप कभी भी बोर नहीं होने वाले हो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ।
हम आए हैं इसके बैक साइड का व्यू देखने के लिए, तो लेट्स सी यहाँ पे कैसा है। सो गाइस ये पूरा बैक व्यू है, जहाँ पे आप गाड़ी से अगर आ रहे हो तो यहाँ पे आप बाइक वाइक पार्किंग या गाड़ी पार्किंग भी लगा सकते हो, और इस साइड से भी आप ऊपर आके मज़े ले सकते हो। और ये कुछ पीछे का, यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं और पीछे पहाड़ एकदम, ऊपर सामने चोटी दिख रही है पूरी। ये जो जा रही है पूरी, ये आपकी जा रही है ऊपर और किले तक, जो कि बंद है। तो गाइस जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये एक म्यूजियम है जिसको जाने के लिए भी सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग अभी ये फॉरनर्स के लिए ओपन है। बट अभी स्कैन किया मैंने, जिसकी जो टिकट बुक होती वो अभी चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। सो म्यूजियम तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट यहाँ पे मेरे जस्ट पीछे एक मंदिर बना हुआ है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस ये जो आप मंदिर देख पा रहे हो, अंदर मंदिर भी बना हुआ है जो कि पूरा संगमरमर से बना हुआ है, और यहाँ पे आप बेल्ट वेल्ट शूज़ सब उतार के जाना होगा, जो कि जस्ट म्यूजियम के ही बगल में है। अभी मैं खड़ा हूँ वन ऑफ द टॉलेस्ट आपके किले पे, जो कि जयपुर के फोर्थ लार्जेस्ट में आता है, जो कि सबसे ऊंची हाइट पे हूँ मैं। और यहाँ पे म्यूज़ियम के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो ये लास्ट है, इसके ऊपर पूरा पुराना किला बना हुआ है। सो गाइस अभी चलते हैं इधर की तरफ, देख कर आते हैं यहाँ पे क्या बना है। तो लेट्स गो। यहाँ तक का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा आपको हैपनिंग को पसंद आया होगा। तो जमाने मान सिंह ना यहीं पे घुमा करते होंगे, यहाँ पे एकदम बच्चे टहलते होंगे, यहाँ पे ये एकदम यहाँ क्रिकेट चलता होगा मज़ेदार वाला। सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई होगी, और मैं आपको डिटेल्स पूरी बता चुका हूँ। आई होप डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को यहाँ तक आ गए तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, मैं सारे अंग्रेज। सो गाइस ये म्यूज़िक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगा, और इसी म्यूज़िक के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया, शॉर्ट में बताया आपको हर चीज़, और आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं को नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन सायोनारा।